नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ की शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आज का वीडियो है आज के त्यौहार के ही विषय में, यानी कि करवा चौथ के विषय पे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत में जो महिलाएँ हैं, जो विवाहित महिलाएँ हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। पर दुर्भाग्य की एक बात है जो मुझे थोड़ी सी खलती है, उसमें से अधिकांश महिलाओं को ये नहीं पता होता कि इस त्यौहार का नाम करवा चौथ क्यों पड़ा, करवा कौन थी। तो इसी विषय में मैं आज का ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। बताऊँगी आपको कि कौन थी करवा माता और आज के व्रत का नाम ही करवा चौथ क्यों पड़ा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं और निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना करती हैं। और द्वापर युग में भी करवा चौथ का व्रत किया जाता था। कलयुग में भी उसी आस्था और विश्वास को आगे बढ़ा रही हैं महिलाएं और व्रत रख रही हैं। इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन मुद्दे की बात जिस पे आज वीडियो बन रहा है वो यही है कि करवा चौथ नाम क्यों। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं में जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में एक स्त्री थी जिसका नाम करवा था और वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उनके जो पति थे काफ़ी उम्र दराज थे। एक दिन की बात है, उनके पति नदी में स्नान करने के लिए गए और नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए गहरे पानी की तरफ खींचने लगा और वह चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुला रहे थे और सहायता मांग रहे थे। पतिव्रता स्त्री होने की वजह से करवा में सतीत्व का बहुत बल था और इसीलिए पति के चिल्लाने पर करवा नदी के पास पहुंची और सहायता के लिए सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को बांध लिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को यमलोक लेकर पहुंच गई और जहां यमराज ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं, साथ ही आप यहां क्या चाहती हैं जो यहां आई हैं। तो इस पर करवा ने जो उत्तर दिया, आप उसे सभी लोग श्रवण करें। करवा ने कहा, मच्छ ने नदी में स्नान के दौरान मेरे पति को पकड़ लिया था, इसलिए आप इसको मृत्युदंड की सजा दें और नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा, हे देवी, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, इसीलिए समय से पहले इसे मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मृत्युदंड देकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आप सभी को भी नष्ट कर सकती हूँ। इस पर चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान भी देना चाहता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारी पूजा करेगी और व्रत रखेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं मैं करूँगा। और उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि ही थी जिससे करवा और चौथ मिलने के कारण इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा ही पहली महिला थी जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ के व्रत की शुरुआत की। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को शाम के समय माता करवा की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। साथ में माता से विनती करना चाहिए कि हे माता, जिस तरह आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की थी, उसी तरह हमारे भी सुहाग की रक्षा करना और हमारे भी परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों की पत्नी जो कि द्रौपदी थी, और इस बात को आप सभी जानते होंगे शायद, उन्होंने भी इस व्रत को किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। माता करवा कौन थी ये बात आपको पता चल गई, पर व्रत के साथ साथ आपस में भी सामंजस्य के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।